जिस प्रकार अनेक वाद्य मिलकर एक लय एक गति ताल बना देते हैं और मनमोहक संगीत का जन्म होता है, इसी प्रकार भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है। यहाँ यह बात इसके मौसम, लोगों के रहन सहन, खान पान, तीज त्योहार, भाषा, परंपरा आदि में दिखाई देती है। अनेकता में एकता ही भारत की अखंड शक्ति और मजबूती है। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं मेरे गुरुजनों, निर्णायक गण, अभिभावक गण और मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरा नाम काश्मी शर्मा है। मैं कक्षा छठी द्रोण में पढ़ती हूँ। आज का मेरा विषय है भारतीय संस्कृति, अनेकता में एकता। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, अब तक बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर है जहाँ हमारा। ये माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर, बेबीलोनिया की संस्कृतियों के समान ही अति प्राचीन है। समय के साथ साथ सभी संस्कृतियाँ और सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम मंत्र के साथ आज तक फल फूल रही भारतीय संस्कृति ने सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म और वसुदेव कुटुंबम का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन तथा गौरवपूर्ण है। किसी भी देश की संस्कृति से उस राष्ट्र की उन्नति एवं अवनति का पता चलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य, हिमाद्रश्च दक्षिणम् वर्षम् तद् भारतम् नाम भारती यत्र सन्तति। विष्णु पुराण का यह श्लोक जिसका अर्थ है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष स्थित है उसका नाम भारत है और उसकी संतति को भारती कहते हैं। ये श्लोक भारत की भौगोलिक एकता के अनेक प्रमाणों में से एक है। भारत में कुल 29 राज्य हैं। उत्तर में उत्तराखंड, कश्मीर, तो पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, पूर्वी भारत में असम, मिजोरम, तो दक्षिण में केरल, कर्नाटक जैसे राज्य हैं। सभी राज्यों की भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त है। भारत की जलवायु, वनस्पति और खनिज संपदाओं में भिन्नता है, फिर भी भारत की प्राकृतिक सीमाओं ने उसे एकता के सूत्र में बांध रखा है। पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व के हरे भरे मैदानों तक, उत्तर की बर्फ से लेकर दक्षिण के पठारों तक इतनी विषमता होते हुए भी यहाँ के निवासी स्वयं को भारती कहते हैं। भारतीय संस्कृति जैन और हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा वैदिक संस्कृतियों का श्रम मिश्रण है। विभिन्न धर्म होते हुए भी इनके नैतिक और मूलभूत सिद्धांत समान ही है। सत्य, शांति, नियम, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, अहिंसा, तप तथा सदाचार सभी धर्मों की नीतियां हैं। भारत में सभी धर्मों के पूजा स्थल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को दर्शाते हैं। एक विशाल देश होने के कारण प्राचीन काल से ही सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा है, किंतु मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल ने राजनीतिक एकता की परंपरा को बनाए रखा है। मराठा तथा पेशवाओं ने भी भारत को एक करने का प्रयास किया। मुगल काल में भी एक सी भाषा, एक सी राजनीति